जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय की बड़ी अपडेट आपको माता वैष्णो देवी जी के दरबार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आपको बता दे चले कि माता वैष्णो देवी जी के बिल्कुल परिसर में जो है वो अचानक आग लगने की तस्वीरें जो है वो सामने आई है। ये आप देख सकते हैं इस समय की कटरा से ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर श्राइन बोर्ड के कम्प्लेक्स में जो है वो अचानक आग लग जाती है और ये आप देख सकते हैं कि आग की लपटें जो है वो किस तरह से यहाँ पर जो है वो आपको देखने को जो है वो मिल रही होंगी। कटरा से इस समय की बड़ी अपडेट जो आप लोगों तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी जी के परिसर में जो है वो ये आग लगी है और फिलहाल आपको बता दे चले जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है, लेकिन गनीमत रही है कि कोई भी किस तरह का जान माल का नुकसान जो है वो इसमें देखने को नहीं मिला है। बड़ी अपडेट इस समय की कटरा से आपको बता रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार से। यहाँ पर अचानक जो है वो माता वैष्णो देवी जी के परिसर में जो है वो आग लग जाती है और जिसके नतीजे में हालांकि कोई भी किस तरह का जान माल का नुकसान जो है वो देखने को नहीं मिला है। हालांकि आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। माता रानी से आप सब भी ये दुआ कीजिएगा कि सब कुछ जो है वो ठीक रहे और कोई किस तरह का नुकसान जो है वो देखने को ना मिले। जय माता दी जरूर जो है वो इस समय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि बड़ी अपडेट जो है वो इस समय की कटरा से सामने आ रही है, श्राइन बोर्ड के कम्प्लेक्स से। यहाँ पर अचानक जो है वो आग लग जाती है श्राइन बोर्ड के कम्प्लेक्स में और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं ही धुआं जो है वो आपको यहाँ पर देखने को जो है मिल रहा होगा। लेकिन गनीमत रही है जो जानकारी हमारे पास है अब तक की, उसके मुताबिक कोई भी किस तरह का जानमाल का नुकसान जो है वो इस पूरी वारदात में जो है वो देखने को नहीं मिला है। और साथ ही साथ इस बात का भी पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार आग लगने की क्या कुछ जो है वजह थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं काफी भयानक ये तस्वीरें हैं और आग की जिस तरह से धुआं आप देख सकते हैं, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है वो आग यहाँ पर जो है वो नमूदार हुई थी। लेकिन गनीमत रही है कि कोई भी जो है वो इसमें जानमाल का नुकसान जो कि इसमें देखने को नहीं मिला है। माता रानी से एक बार फिर से आप सब लोग ये दुआ कर जरूर करें कि कोई भी किस तरह का ज्यादा नुकसान जो है वो और देखने को ना मिले। ये कहें कि एक बार फिर से इससे पहले की बात करें तो इससे पहले भी ऐसा ही मामला जो है वो माता वैष्णो देवी जी के दरबार में देखने को मिला था, लेकिन आज फिर से जो है वो इस समय की कटरा से माता वैष्णो देवी जी के दरबार के बिल्कुल परिसर से खबर सामने आ रही है, जाने की श्राइन बोर्ड के कम्प्लेक्स से। यहाँ पर अचानक जो है वो आग लग जाती है और जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं हालांकि आग पर अब जो है पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, पर कोई भी किस तरह का जान माल का नुकसान जो है वो अब तक इसमें देखने को जो है वो नहीं मिला है। गनीमत रही है कि कोई भी इसमें जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन आग लगने की क्या कुछ वजह है इसके बारे में भी अब तक जो है वो कोई भी जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। बड़ी अपडेट इस समय की जम्मू परिवर्तन पे देखते हुए सीधा कटरा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो माता वैष्णो देवी जी के परिसर में जो है वो यहाँ पर आग लग जाती है और जिसके बाद कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे उनमें भी काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल उस समय वहां पर बन जाता है। लेकिन फिलहाल मौके पर ही आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है और कोई भी किसी भी तरह का जानी नुकसान जो है वो इस पूरी वारदात